अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबैल पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल बेटियां के लास्ट एपिसोड तक आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं किसका क्या अंजाम होगा, किसके साथ क्या होगा, किसकी किसके साथ शादी होगी। आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, तो इस मुख्तसर वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहेंगे तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को नहीं दबाया था यार, ज़रूर से दबा लेना। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं और यह प्रेडिक्शन वीडियो होने वाली है कि क्या होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सीरियल बेटियों के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो कि यहां पर लाइक साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है अपनी बेटियों की वजह से कि यहां पर अब क्या किया जाए, और जिसकी वजह से नाजरीन यहां पर अब वो जो है वो आयजा का रिश्ता जो है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जो आयजा है उसे भी लगना शुरू हो जाता है कि यहां पर यही आखिरी हल है। और उसके साथ साथ नाजरीन साथ जो है उसका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा, वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है तो बिल्कुल भी ऐसा मत करो, तुम दोबारा और किसी से शादी मत करो, मुझसे ही शादी कर लो। लेकिन नाजरीन यहाँ पर आयजा कहेगी नहीं, जहाँ पर मेरे माँ बाप कहेंगे मैं वहीं पे शादी करूँगी। और इसके साथ साथ दूसरी जानब जब इस बात का वह अंदाज़ा होगा नाजरीन दानिश को, तो नाजरीन वो बहुत ही ज़्यादा भड़क उठेगा कि ऐसे कैसे ये शादी कर सकते हैं उसकी, जिसकी वजह से नाजरीन वो बहुत ही ज़्यादा भड़का करेगा यहाँ पर फिज़ा पर, और नाजरीन फिज़ा को बहुत ही ज़्यादा घरी कोटी सुनाया करेगा, और नाजरीन दोबारा से तलाक का लफ्ज जो है वो मुंह पर लाने की कोशिश करेगा, और इसमें इसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर इस बार जो है बिल्कुल भी नहीं सह सकेगी नाजरीन फिज़ा, जिसके बाद नाजरीन वो साफ साफ इसे मुंह पर ही कह देगी यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना रिश्ता बचाने के लिए यह सब कुछ किया था, तुम इसे मेरी कमज़ोरी समझ रहे थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद नाजरीन वो चली जाती है और कहती है कि तुम्हें खुला का पेपर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और नाजरीन ये तो आगे ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सेडल है, और नाजरीन ये घर वालों को भी कह देगा कि हाँ मैं अब उसे छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन नाजरीन जब ठंडे दिमाग से सोचेगा तो नाजरीन वो यहाँ पर ये सोचेगा कि अगर इसे मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पर मैं बदला किससे लूँगा। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर अगर जो आई अपने घर में जैसे ही आयजा पहुँचेगी अपने वालदैन को यानी कि अपने अब्बू को बता देगी, और नाजरीन इसकी जो पुप्पो होगी नाजरीन वो बहुत ही ज़्यादा इसे खरी खोटी सुनाएगी, और नाजरीन कहेगी तुम वहीं पर जाओगी, और नाजरीन इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा सुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन नाजरीन लाइक यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी नहीं सुनेगा और कहेगा कि जैसा मेरी बेटी ने कह दिया वैसा ही होगा, मैंने इसे लाने की कोशिश की थी, पहले भी मैं इसी हक में था कि ये इसे तलाक ले ले, क्योंकि वो बिल्कुल भी इमजाद का अच्छा बंदा नहीं है। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर जो है इसके लिए नोटिस वगैरह जो है वो तैयार करवाए जाएंगे, और नाजरीन दूसरी जनाब दानिश बहुत ही ज़्यादा मजीद सोच रहा है, और इसके साथ साथ आयजा को भी रास्ते में रोक कर दोबारा से भड़क करने की कोशिश करेगा, यानी उसे बातचीत करेगा, उसे जो है बहुत ही ज़्यादा सुनाने की कोशिश करेगा, अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करेगा। और नाजरीन आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा आयजा इसे आगे से खूब सुनाएगी, जिसके बाद आप लोग ये भी देखोगे कि आगे से लड़ाई भी शायद साध और नाजरीन यहाँ पर दानिश में हो जाए। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखने वाले हो कि आयजा की जो है वो शादी का दिन आ जाएगा, क्योंकि नाजरीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता आया होगा, और नाजरीन वो लड़का जो होगा वो कहेगा कि कोई बात नहीं है, जैसा भी इसका माजी था कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद नाजरीन दोबारा से इसकी जो है वो शादी का जो है इवेंट होगा, जिसके बाद नाजरीन आप लोगों को ये भी दिखाया जा सकता है कि जो आयजा को दोबारा से जो है वो फुसलाने की कोशिश की जाए। लेकिन नाजरीन इस वक्त जो है आयजा बिल्कुल भी ना सुने, लेकिन नाजरीन किसी न किसी तरीके से साथ उसे किडनेप करके जो है वो ले जाए, और नाजरीन उसके साथ जो है ज़बरदस्ती शादी कर ले, जिसके बाद नाजरीन उसका बाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट जाए कि ये क्या हुआ, मेरी बेटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद शायद नाजरीन उनकी हम लोगों को डेथ भी दिखाई जा सकती है। आप लोग क्या चाहते हो कि यहाँ पर लाइक की डेथ दिखानी चाहिए या नहीं, ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके हर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में कि नाजरीन यहाँ पर जो फिज़ा का जो भेजा होगा यहाँ पर नाजरीन खुला नामा, तो नाजरीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। नाजरीन यहाँ पर दानिश और ऊपर ज़ोर से पेपर जो फेंक के मारेगा और कहेगा मैं इसे बिल्कुल भी तलाक नहीं दूंगा, और नाजरीन जाएगा और उससे जो है वहाँ से घसीट के ले आएगा, और नाजरीन उसे जो है शायद बांध के भी रखना शुरू कर दे। लेकिन नाजरीन आने वाले एपिसोड में यहाँ पर धीरे धीरे इसे भी प्यार होना शुरू हो जाएगा इससे, और नाजरीन यहाँ पर आयजा को तो है ही यानी फिज़ा को तो है ही, और नाजरीन आने वाले एपिसोड में आयजा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही होगी नाजरीन साथ के साथ रहना, वो भागने की कोशिश में जुटी होगी। लेकिन नाजरीन यहाँ पर जो साथ है वो बिल्कुल भी भागने नहीं देगा, और
नाज़रीन इसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो हानिया है नाज़रीन वो किसी अच्छी पोस्ट पर, यहाँ पर शायद उसने कोई ऐसा फॉर्म भरा है जिससे वो काफ़ी अच्छी नौकरी उसे मिल जाए, और इसके साथ साथ नाज़रीन फारिस जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, और नाज़रीन यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होती रहती है आए दिन, जिसकी वजह से नाज़रीन यहाँ पर ये हम लोगों को ये भी दिखाया जा सकता है ये लड़ाई प्यार में बदल जाएगी, जिसके बाद फारिस कहेगा कि इनके घर में जाओ, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर उसका बाप कहेगा मैं किस मुँह से जाऊँ, यहाँ पर एक बेटी तो आगे ही खुश नहीं है, यानी कि एक बेटा मेरा आगे ही नहीं उसे खुश रख रहा, और दूसरी भी लड़की ला दें, और जिसके बाद यहाँ पर वो तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वो भी जाया करेगा, फारिस और नाज़रीन बात किया करेगा, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर उसका अगर बाप जिंदा रहा तो नाज़रीन यहाँ पर वो लोग जो है रिश्ता दे देंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस यही है कि फारिस जो लाइफ की है वो मौत हो जाएगी, जिसके बाद नाज़रीन उसकी जो बहन है नाज़रीन वो हुकूमत करेगी घर पर, सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुनाएगी, सब लोगों की जो है ज़िंदगियाँ अजाब कर देगी नाज़रीन, जहन्नम बना देगी, और नाज़रीन किसी को भी पास नहीं आने देगी, और इसके साथ साथ ये भी हम लोगों को दिखाया जा सकता है कि नाज़रीन फिज़ा जो है वो बच्चे की माँ बनने वाली हो जाए, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर सब लोग जो हैं नाज़रीन यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करें कि तुम अब इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से शायद वो ये भी कहेगी जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर वो मुकर भी जाए कि ये बिल्कुल भी ये बच्चा मेरा नहीं है, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइट वगैरह हो, और नाज़रीन इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि दूसरी जानब जो आयज़ा है नाज़रीन वो मिलने की कोशिश करेगी घर वालों से, लेकिन नाज़रीन घर वाले इससे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर उसने भाग गई थी, लेकिन वो समझाने की कोशिश करेगी लेकिन कोई भी समझेगा नहीं, लेकिन नाज़रीन आने वाले एपिसोड में ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसा कुछ ना कुछ होगी यहाँ पर इनके पुप्पो के साथ, जिसके बाद नाज़रीन उसे अक्ल आ जाएगी कि यहाँ पर जो कुछ भी उसने किया वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और नाज़रीन सारे के सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता आकर सारी की सारी बातें खोलते रहेंगे, जिसके बाद उसे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये लोग बिल्कुल ठीक थे, मेरे में ही फॉल्ट थी, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर सब लोगों से माफ़ी भी मांग लेगी, और दूसरी जानब नाज़रीन फिज़ा और नाज़रीन दानिश के दरमियान में प्यार हो जाएगा, और इसके साथ साथ नाज़रीन आखिर में हम लोगों को इन दोनों की शादी करवाते हुए भी दिखाया जाएगा हानिया और नाज़रीन फारस की, और दूसरी जानब हम लोगों को जो है नाज़रीन अन्नम की भी किसी न किसी से शादी होती हुई दिखाई देगी, और नाज़रीन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। तो नाज़रीन आपके ख्याल से और कि आने वाले एपिसोड में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या किसी और की भी जो है वो मौत होनी चाहिए, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा हाइप पे है, तो नाज़रीन आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि कहानी इसी तरह चलनी चाहिए या किसी और तरह से चलनी चाहिए, आप लोग ज़रूर से कमेंट को हर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ये थी हमारी प्रेडिक्शन वीडियो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर बेफर तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।